और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए बीती रात भारी रही है, जहां सत्ता पक्ष और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। यह झड़प हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे समेत कई सांसदों के घर को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद पीएम राजपक्षे ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन श्रीलंका में हालात अब भी बेकाबू बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे आगजनी की गई, और ये आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये आगजनी की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारी काफी हिंसक होते नजर आए। श्रीलंका के ये हालात हैं, जहां इमारतों में आग लगाई जा रही है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, रोड जाम की जा रही हैं और कई जगहों पर आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ का तांडव श्रीलंका में, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं हिंसा तंत्र श्रीलंका में अब हावी हो गया है। आपको यहाँ वहाँ ज्यादातर सड़कों पर आग ही आग मिलेगी। और ये राजपक्षे का ऑफिस है, राष्ट्रपति राजपक्षे का, जो पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया है।